तो ये देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक पौधारोपण कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आप देख सकते हैं 7 लाख पेड़ लगाए जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के आसपास। और इस बीच वहां लोक कलाकार लोक नृत्य की वहां पेशकश करते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जालौन में है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को 6ठे एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, 6 जिलों को जोड़ता है और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। कभी गरीबी, बेरोजगारी और डकैतों के लिए जाने जाने वाला बुंदेलखंड आज कैसे एक डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है, और ये एक्सप्रेसवे उसके लिए बहुत अहम है। जालौन में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एक पौधारोपण किया उन्होंने। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीब 7 लाख पौधे लगाए जाने का कार्यक्रम है और उसी के तहत ये पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं गौरव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ आते हैं और लोगों का उत्साह जिस बात को लेकर भी है, और ये प्रधानमंत्री का अंदाज है कि वो लोगों के इतने करीब आ जाते हैं, लोगों का उत्साह हर बार नजर आता है और एक जो संदेश यहाँ, एक मैसेजिंग यहाँ जो देने की कोशिश की करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वजह से लोग बहुत सराहना करते हैं। और पौधारोपण की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आसपास जिस तरीके से लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जो लोग यहाँ पर आसपास हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इतना नज़दीक देखकर खासे उत्साहित नजर आते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी लोगों की भारी भीड़ हमने आज देखी गौरव, भारी उत्साह भी देखा। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने यूपी में कनेक्टिविटी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी का हर कोना अब नए सपनों को लेकर तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार हो चुका है। यानी वो ये कहते हुए कि ईस्ट यूपी हो या वेस्ट यूपी हो, हर तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है उनकी सरकार। उन्होंने खासकर यही कहा कि यही सबका साथ है, यही सबका विकास है, कोई पीछे ना छूटे, इस दिशा में डबल इंजन की सरकार यानी उनकी केंद्र की और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है।